इसके अंदर हम लोगों ने इतना धमाकेदार इंटीरियर किया ना बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए हैं इस कार के अंदर तो so, अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाने वाले क्योंकि ये ही है इस गाड़ी की शानदार सी चीज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो खड़ी है वो खड़ी है ब्लैक बीस जो कि हमारे पास आई थी ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से बेस्ट पार्ट इस कार की ये है कि ये इस गाड़ी का बेस वेरियंट नहीं है टॉप एंड वेरिएंट है गाइस Zेडेड लग्जरी है और इसके अंदर हम लोगों ने इतना धमाकेदार इंटीरियर किया ना वो अभी तक ना ही मैंने किसी कार के अंदर किया है बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए हैं इस कार के अंदर होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे अभी न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपने अभी तक बिल्कुल नहीं देखी होगी तो स्टार्ट करते हैं इसके धमाकेदार इंटीरियर सो so, अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाने वाली क्योंकि ये ही है इस गाड़ी की शानदार सी चीज कि गाइस यहाँ पे हम लोगों ने इस कार के अंदर इसका डैशबोर्ड को लेदर ऐप था जो कि पहले उसको रिमूव करके इसको हाइड्रो डिपिंग किया है अब बहुत सारे कस्टमर बोलेंगे कि बो, लेदर ऐप ही अच्छा था देखो हर किसी कस्टमर की अपनी अपनी चॉइस होती है उनको लेदर ऐप नहीं पसंद था ना ही वो कलर कॉम्बिनेशन पसंद था इस पूरी कार को डूल टोन लुक दी गई है ब्रिटिश येलो के अंदर और ब्लैक कलर के अंदर जो हाईलाइटेड पार्ट है वो इसका डैशबोर्ड है जो कि आप कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं इसके अंदर भी जिस तरीके का शेडेड आ रहा है वो आपके पूरे इंटीरियर से मैच है खास बात ये हाई ग्लॉस के अंदर आपको देखने को मिलने वाला तो आप कंप्लीट देखिए और मुझे जल्दी से अभी कमेंट कर दीजिए कि ये आपको इस कार के अंदर अभी तक की पहले स्कॉर्पियो है जिसमें ऐसा वर्क आपको देखने को मिल रहा है साथ ही में आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी पिलर्स थे अपर वाला जितना भी पार्ट है ने कोटिंग के अलग है कुछ तो डिफरेंट है आप देख सकते हो रूफ पे हम लोगों ने कम्पलीट वेल्वेट टच किया वो भी डायमंड कलर के अंदर डायमंड फिनिश के अंदर क्योंकि हमारी कार का जो थीम है वो कुछ ऐसा ही है कि हमने पूरे थीम को ना कम्प्लीट मैच करके दिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक एक पार्ट पे हम लोगों ने इसका वेलवेट टच दिया है रेस्ट पार्ट जितना भी था अपर पैनल वो हम लोगों ने लेदर सॉफल कोटिंग कर दिया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट्स की खास बात भी बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने थाई सपोर्ट भी इंस्टॉल करके दिया है क्योंकि कस्टमर की ड्राइविंग यू नो काफ़ी ज़्यादा रहती है तो इन इवन उनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है तो उन्होंने मेरे से स्पेशल बोला था कि मैम कुछ तो करो सीट के अंदर ऐसा कि मेरी सीट्स कंफर्टेबल हो जाए तो उसके लिए मैंने उनको एडवाइस किया कि सर आप इसके लिए प्लीज़ थाई सपोर्ट ऐड कराओ ताकि जब तो आप लॉन्ग ड्राइव्स पे भी जाओगे तो एटलीस्ट आप, आपको कंफर्ट मिल सके और एक और चीज है कि इस कार के अंदर जितने भी हम लोगों ने काफी सारा इंसर्ट पैनो ब्लैक का दिया है यस जेड एड है तो काफी सारी चीजें तो पैनो ब्लैक आती हैं बट और भी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर पैनो फिनिश में दी है जिसमें आप देख सकते हो इसके आर सी इसका हैंडल पैनल देख सकते हैं इसका जो ये स्टीरियो पैनल है ये भी आपको साइड वाला ये कंप्लीट सिल्वर आता है इसको हम लोगों ने प्यारो फिनिश में किया है स्पीडोमीटर पैनल भी यहाँ पे इसका प्यारो फिनिश में किया साथ में वुडन फिनिश के भी टेक्सचर एड ऑन किया डैशबोर्ड पे तो दिया ही है हैसी वेंट्स पे भी हम लोगों ने वुडन फिनिश किया है आरसी लीवर का जो बैक साइड है यहाँ पे भी, भी आपको वुडन फिनिश देखने को मिलने वाला है और जो ट्विटर वाला पैनल है सैश है ट्विटर सैश यहाँ पे भी, भी हम लोगों ने वुडन फिनिश किया तो यहाँ पे आप देखिए फ्लोरिंग भी हम लोगों ने इस कार के अंदर किए कम्प्लीट ब्लैक प्लस बेज कलर के अंदर जो की हमारे इंटीरियर के साथ

का स्टलिंग पे कोई गाड़ी आई हो और उसके अंदर डिजाइनर स्टेयरिंग लेदर रैप ना हो ऐसा हो नहीं सकता इसको भी डुअल टोन दिया है इसके वी पैनल पे भी वुडन फिनिश किया है स्टेयरिंग कंट्रोल के पैनल्स पे भी यहाँ पे आपको वुड फिनिश देखने को मिलने वाला है आपका जो हॉर्न पैड है ये भी हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट कोटिंग करके दिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब हर एक एक चीज जो इस गाड़ी की की गई है साथ ही में जो रियर सीट का आपको कप होल्डर देखने को मिल रहा है गाइज ये भी हम लोगों ने पैनो फिनिश में किया है मतलब ये बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर हम लोगों ने

कॉम्बिनेशन जो स्पेशल इफेक्ट दिया गया है इसके डैशबोर्ड को आप सभी लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कॉल करने के लिए गाइस जो नंबर रहेगा वो रहेगा 7271939393 सो गाइस so फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक न्यू कार के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड बाय बाय